हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्स रेडियो हब। आज के व्याकरण में हम स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर को जोड़ना हो तब उस स्वर के लिए हम एक प्रकार के चिन्ह की सहायता लेते हैं। यह चिन्ह उस स्वर की मात्रा कहलाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ स्वर है और हमें यहाँ उनकी मात्राएं लिखनी है, और ये मात्रा व्यंजन के बाद लगेगी या पहले लगेगी ये हमें यहाँ लिखना है। आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है। आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है और इसका उदाहरण है ना, ना। दूसरा उदाहरण है कान। छोटी की मात्रा जो कि व्यंजन से पहले लगती है। दिन, सिर। छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। बड़ी की मात्रा, ये है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। खीर, छोटी की मात्रा व्यंजन के नीचे लगता है, जैसे सुन, चुप। बड़ी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा ऐसी होती है जो कि व्यंजन के नीचे लगती है। फूल, री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगता है, जैसे घृणा, वृक्ष, एक मात्रा। एक की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगता है, जैसे रेल, खेल। एक की मात्रा, एक की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगता है, जैसे मैन, भैंस। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा व्यंजन के बाद लगता है, जैसे ओस, रोज। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा व्यंजन के बाद लगता है, मौज, औरत, के साथ या तू छोटा हो या बड़ा हो की मात्रा अलग ढंग से जुड़ती है। र प्लस छोटा हो की मात्रा तो हम ऐसे लिखेंगे,
बड़ी की मात्रा को हम ऐसे लिखते एग्जाम्पल है रमेश छोटा उ की मात्रा जैसे रुपया रुमाल अनुस्वार अंक चंद्रबिंदु और विसर्ग भी मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अनुस्वार अंक अंग संग पंख चंद्रबिंदु चांद पांच तांगा विसर्ग अंक की मात्रा से बना पुनः अतः एक वाक्य जब शब्दों का मेल होता है तब वाक्य बनता है। जैसे बिल्ली मछलियां खरगोश आसमान वर्णों के मेल से स्वर बनता है। शब्दों का मेल से वाक्य बनता घड़े में दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द बनाए। यहाँ कुछ घड़े दिए हैं जिसमें शब्द लिखे हुए हैं, उन्हें जोड़ करके इन घरों के ऊपर कुछ व्यंजन लिखे हुए हैं जिन्हें हमें जोड़कर शब्द बनाना है। अजगर सड़क माँ सा ली मछली ई माँ ली इमली ब र ग द बर्गर ब त ख बतख
वर्णों के मेल का जब कुछ अर्थ निकलता है तब वह शब्द कहलाता है। दो वर्णों के मेल से बने शब्द जल, नल, फल, हल। इन वर्णों के मेल से बने कुछ शब्द जैसे सड़क, नहर, नगर, चार वर्णों के मेल से बने कुछ शब्द टमटम, हलचल, पनघट। ये चार वर्णों से बने शब्द हैं। कुछ शब्दों में व्यंजन वर्णों के साथ मात्राएं भी लगी होती हैं, अर्थात ये मात्रा रहित शब्द है जिसमें हमें मात्राएं लगानी है। नौ, इसमें हमें मात्रा लगानी है, तो मात्रा लगेगी आ की, तो ये बन जाएगा नाव। ये 70, इसमें मात्रा लगानी है, ये बन जाएगा संतरा। मछली, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। धनुष, इसमें छोटा उ की मात्रा लगेगी। चूहा, चूहा, इसमें बड़ी की मात्रा, छोटा उ की मात्रा, सॉरी, बड़ों की मात्रा और आ की मात्रा लगी है। मृग, इसमें ऋ की मात्रा लगी है। सेब, इसमें ए की मात्रा लगी है। सैनिक, इसमें आ की मात्रा, छोटी की मात्रा लगी है, सैनिक। तोता, इसमें ओ की मात्रा और आ की मात्रा लगी है। तौलिया, तौलिया, इसमें ओ की मात्रा, छोटी की मात्रा और आ की मात्रा लगी है। शंख, इसमें अंक की मात्रा लगी है। लहंगा, इसमें अंक की मात्रा और आ की मात्रा लगी है। इस तरह से हमारा यह वर्कशीट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।